मैं हूं सानिया अद्रिसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। श्रद्धा मर्डर केस को जानने के बाद पूरा देश ही हैरान है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया सोमवार को श्रद्धा के पिताजी से मिलने वसई पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धा के परिवार वालों को ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलेगा। साथ ही श्रद्धा के परिवार ने किरीट सोमैया से केस को फास्ट ट्रैक पर लाने को कहा है, जिससे जल्द से जल्द श्रद्धा को न्याय मिल सके। किरीट सोमैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें भी इस मामले को सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा है और अब वो हर वक्त श्रद्धा के परिवार वालों का साथ देते रहेंगे। दादी थे, बहुत धक्का लगा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसे परिवार की इच्छा है। मैंने उनके परिवार के रिश्तेदारों की दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीके सक्सेना जी से बात करवा दी। यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है सदानंद दास, उनसे भी अभी बात की करवा दी। मैं स्वयं इस विषय में ध्यान दूंगा कि ये लड़के ने ये इस प्रकार का जो बिहेवियर किया है, उसके साथ में कोई है, कौन है, पीछे कोई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन इसमें, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। परिवार न्याय चाहता है। सरकार का जो बिहेवियर किया है, उसके साथ में कोई है, कौन है, पीछे कोई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन इसमें, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। परिवार न्याय चाहता है। आज वो सिर्फ इतना ही कहने की स्थिति में है कि जांच गति से हो और पीछे पीछे कौन है वो भी जांच हो। मेरी बेटी के साथ हुआ, वो देश के अन्य बेटियों के साथ न हो।